ओके सो क्यू रिस्ट्रक्शन बाय हाइट, ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना। तो इसमें गाइस हमको ना क्या मिलेगा, हमको ये मिलेगा है ना, ये 2D एरे मिलेगा है ना। हर 2D एरे के पास ये रो होगी, मतलब ये हमारे पास रो होगी है ना। इसमें हमारे को फर्स्ट कॉलम क्या बता रहा है ना, एक पर्सन की हाइट बता रहा है ना। फर्स्ट कॉलम में बता रहा है कि एक पर्सन इतने हाइट का है, 7 यूनिट हाइट का है ना, तो एच एच है वो है ना, एच हाइट का है। और जो दूसरा कॉलम है ना, दूसरा कॉलम ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज है, ये हमें बता रही है कि तुमको इसको इस तरह से रिस्ट्रक्चर करना है सो डेट इतने पर्संस के पर्संस उसके उससे बड़े या उसके जितने खड़े हों, है ना। जो मैं बोल गया तुम्हें नहीं आया समझ में, देखो मैं दोबारा बोलता हूं। जो पहला कॉलम है वो बता रहा है कि कितनी हाइट है उस पर्सन की, डेट इज एच, और दूसरी चीज है के। के पता है क्या बता रहा है, जब तुम इस क्यू को इसको तुम रिस्ट्रक्चर करोगे, इसको तुम रिस्ट्रक्चर करोगे, अगर मैं इधर से देखूं ये क्यू समझ लो है ना, जब तुम इसको रिस्ट्रक्चर करोगे तो तुम इसको रिस्ट्रक्चर इस तरह से करना है कि के बंदे के पर्संस इससे आगे खड़े हों जिनकी हाइट या तो एच हो या एच से बड़ी हो, है ना। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पर्सन की बात करूं तो इस पर्टिकुलर पर्सन से मुझे क्या पता चल रहा है कि इसकी 7 हाइट है और मुझे इसके आगे 0 बंदे खड़े करने, डेट इज कोई भी बंदा खड़ा नहीं करना जिसकी हाइट ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो। अच्छा तो मैं यहां से बताता हूं थोड़ा, ये वाला देखो, इस पर्सन की हाइट 4 है और मुझे इस पर्सन के आगे 4 बंदे खड़े करने हैं जिनकी हाइट या तो 4 हो या 4 से बड़ी हो। तो कुछ इस तरह से हमको रिस्ट्रक्चर करना है, कुछ स्पेशल टाइप की सॉर्टिंग करनी है ना, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन समझ में आ गया मेरे को, मेरे हिसाब से है ना। तो देखो जब हम इसकी सॉर्टिंग कर देंगे ना या रिस्ट्रक्चर कर देंगे तो ये वाला या क्यू ऐसे दिखने लगेगा, है ना। अब देखो इस केस में तो सही नहीं खड़ा, इसमें इसकी हाइट 4 है पर इससे आगे सिर्फ एक ही बंदा है, 4 होने चाहिए है ना जिसकी हाइट इसके बड़ी हो। इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में सही पोजीशन पे है, 7 है ना, 7 हाइट, इसकी हाइट 7 है और इसके आगे सिर्फ एक बंदा खड़ा होना चाहिए, इसकी हाइट इसके 7 हो, 2 बंदे खड़े हैं बट इससे बड़ी हाइट या इसकी इक्वल हाइट तो सिर्फ 7 की है ना, तो ये करेक्ट पोजीशन पे है इस केस में, है ना। तो चलो तो हमको सब सारी पोजीशन सबकी करेक्ट करनी। तो देखो इसका आउटपुट ना कुछ कुछ ऐसा होगा, है ना, जो मैंने लाइन बोली थी वो सेटिस्फाई हो रही है हर पर्सन के लिए, हर पर्सन के लिए। क्या लाइन बोली थी मैंने कि हर पर्सन के आगे के बंदे खड़े हुए हों जिनकी हाइट ग्रेटर देन इक्वल टू एच, उस पर्टिकुलर बंदे की हाइट के बराबर हो, है ना। देखो ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही है इस वाले आंसर में, हमारा ये आउटपुट है, हमें पता है आउटपुट, हम देखेंगे कि कैसे निकालेंगे आउटपुट अभी, है ना। देखो 7 के आगे 0 बंदे खड़े हैं जिनकी हाइट ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है। देखो 7 के आगे एक बंदा खड़ा है बट इसकी हाइट ग्रेटर देन इक्वल टू 7 तो नहीं है ना, तो ये ठीक पोजीशन पे है ना। मैं इसको ले लूं, 4 को ले लूं, 4 के आगे 4 बंदे खड़े हुए होने चाहिए इनकी हाइट ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो। क्या 4 बंदे खड़े हैं? 6 खड़ा है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, 5 खड़ा है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, 7 खड़ा है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, 5 खड़ा है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। यस ये भी सही पोजीशन पे है। तो ऐसे करके देखोगे ना तुम सारे सही पोजीशन पे है, तो हमको ऐसी एल्गोरिदम लिखनी है कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया, अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है ठीक है। तो देखो ना कुल मिला के हमको ये पर्संस दे रखे हैं, ये पर्संस दे रखे हैं हमको, है ना, ये हमको इनपुट राइट दे रखा था 7 0, है ना, 7 0 दे रखा था, डेट इज एक पर्सन है इसकी हाइट 7 फुट है ना, 7 फुट है और उसके आगे हमें 0 बंदे खड़े करने हैं जिसके हाइट ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो, है ना, मतलब कोई खड़ा नहीं करना इस केस में। ये 4 है ना, इसकी हाइट 4 फुट का है ये बंदा और उसके आगे 4 बंदे खड़े करने हैं हमको जिसकी हाइट ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो, है ना। ऐसे ही करके हमको इनपुट मिला हुआ था। अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, देखो सबसे पहले ना हम इसको सॉर्ट करेंगे, इन पर्सन को सॉर्ट करेंगे डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट एंड डिपेंडिंग ऑन देयर वैल्यू ऑफ के। देखो हम कितने क्लेवर तरीके से इसको सॉर्ट करेंगे, मैं इसको सॉर्ट करके दिखाता हूं फिर मैं बताऊंगा मैंने इसको ऐसे सॉर्ट क्यों करा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे लेफ्ट साइड में पता है कौन सा बंदा खड़ा हुआ होगा जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी, है ना, सबसे ज्यादा हाइट होगी, ग्रेटर हाइट होगी, है ना, ग्रेटर हाइट होगी। तो ठीक है मेरे पास ग्रेटर हाइट वाले 2 बंदे निकल के आ गए, 2 बंदे निकल के आ गए, है ना, ये वाला बंदा और ये वाला बंदा, इन दोनों की हाइट 7 है। तो अब मैं किसको खड़ा करूंगा यहां पे, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी, पर इन दोनों की तो हाइट सेम है। तो जब इन दोनों की हाइट सेम हो तो हम डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ
एच इसको सॉर्ट करेंगे। ये मैं कैसे करूंगा, कंपैरिजन क्लास, कंपैरिजन इंटरफेस के थ्रू करेंगे, ये मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगा। बट अभी देखो लॉजिक, देखो लॉजिक क्या है, हमें पहले इसको सॉर्ट करना है डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट। अगर हाइट सेम है तो डिपेंडिंग ऑन दिस एच, एच वैल्यू है ना, एच वैल्यू। तो हाइट अगर ज्यादा है, दोनों की सेम है, तो जिसकी हाइट, जिसकी एच वैल्यू छोटी होगी उसको पहले लिखेंगे, तो ठीक है। कैसे सॉर्ट करना है, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा हो तो सबसे पहले उसको लिखना है। अगर हाइट सेम है किसी दो या दो से ज्यादा बंदों की, तो जिसकी एच वैल्यू कम है उसको लिखना है, तो ठीक है। सबसे पहले हम हाइट को लेके आ गए, इन दोनों के हाइट बराबर है, तो इन दोनों में से एच की वैल्यू किसकी छोटी है, इसकी, तो मैंने इसको लिख लेना है। मैं अभी आपको बताऊंगा इसका ऐसा हमने क्यों करा, तो अभी रुक जाओ, ठीक है। तो अभी हमको पहला बंदा मिल गया, अब देखेंगे हम इन सब में से सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, तो सिर्फ सेवन की सबसे ज्यादा हाइट है, तो हम सेवन को लिख लेंगे अब, है ना। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखेंगे हम सबसे ज्यादा हाइट की, इसकी सबसे ज्यादा हाइट सिक्स की है इसके कंपैरिजन में, और इसके जितना कोई नहीं है, तो हम सीधा यहाँ पे लाके रख, इसको रख देंगे, है ना। इसके बाद देखेंगे सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, फाइव की है, फाइव जैसे हाइट के दो हैं, इन दोनों में से कम वैल्यू एच किसकी है, इसकी, तो एच को यहाँ पे आके, आई मीन फाइव को यहाँ पे आके रख देंगे, है ना, फाइव को वापस ले जाते हैं। अब इन दोनों में से देखते हैं हाइट किसकी ज्यादा है, फाइव की, तो फाइव को हमने यहाँ पे लाके रख दिया, फाइव टू को यहाँ पे लाके रख दिया, अब एक बच गया तो इसको यहाँ पे लाके रख दिया। तो हमने सॉर्ट कर लिया, ये सॉर्ट कर लिया डिपेंडिंग ऑन के एंड एच, है ना, दोनों दोनों को ध्यान में रखते हुए कर लिया। जिसका के ज्यादा है, जिसका एच ज्यादा है उसको पहले लिखा, और अगर एच सेम है तो जिसका के कम है उसको पहले लिखा। चलो ये हमने ऐसे सॉर्ट कर लिया, ये मैं तुम्हें अभी बताऊंगा हमने ऐसा क्यों सॉर्ट करा। ये सॉर्ट करने के बाद जो हमारी फाइनल सॉर्टिंग है ना, उसमें हमको हेल्प मिलेगी। मैं यहाँ पे एक नंबरिंग कर देता हूँ, इंडेक्सिंग कर देते हैं, लेट से ये है जीरोथ पोजीशन, है ना, सबसे पहले ये पोजीशन है, फिर वन टू थ्री फोर एंड देन फाइव। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरे को कैसे कैसे करना है इसको, मैं ना यहां से मूव करना शुरू करूंगा, मैं यहां से मूव करना शुरू करूंगा। इसका रीजन मैं तुम्हें बताता हूं क्या है, यहां से मूव करना शुरू करूंगा और ये जिस जिस इंडेक्स पे कहेंगे ना आने के लिए, उस इंडेक्स पे डालते जाऊंगा। देखो अभी धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो मैं यहां से मूव करा, मेरे को सबसे पहले पर्सन नंबर सेवन मिला, जो कह रहा है कि मेरे आगे जीरो बंदे खड़े होने चाहिए, तो मैं इसको जीरोथ इंडेक्स पे जाके रख देता हूं। रख दिया मैंने इसको जीरोथ इंडेक्स पे जाके, अब मैं आगे गया, मेरे को मिला पर्सन नंबर सेवन, पर्सन नंबर सेवन का मुझे मेरे आगे वन इंडेक्स, मेरे को मेरे आगे एक बंदा खड़ा हो सकता है जो मेरे से या तो बड़ा हो या मेरे जितना हो, तो मैंने इसको फर्स्ट इंडेक्स में लाके रख दिया, है ना, फर्स्ट इंडेक्स में लाके रख दिया, कोई लोचा नहीं, अभी तक हमारी सही चल रही है रिस्ट्रक्चरिंग। अब हम और आगे गए, अब हमको मिला पर्सन नंबर सिक्स। पर्सन नंबर सिक्स क्या कहता है कि यार ये यहां से इंपॉर्टेंट है, ये एल्गोरिथम को समझना। पर्सन नंबर सिक्स कहता है कि मेरे आगे मेरे से बड़ा एक हो सकता है, मेरे जितना या मेरे से बड़ा एक हो सकता है ना, ये पर्सन नंबर सिक्स कह रहा है। तो मैं पता है क्या करूंगा, पर्सन नंबर सिक्स को पर्सन नंबर आई मीन पोजीशन नंबर वन में जाके रख दूंगा, पर्सन नंबर सेवन को कहूंगा तू सटक ले साइड में, है ना, तू साइड में ले। अब देखो ये क्या मैजिक हुआ, ये हमारे सॉर्टिंग करने का ये फायदा हुआ, क्योंकि हमने सॉर्टिंग कर ली थी, अब हम इसको ओएन में आई मीन यहां से एक इटरेशन में कर लेंगे। देखो क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो देखो मैं दोबारा से इसको पीछे लेके जाता हूं, एक स्टेप पीछे लेके जाता हूं। ये यहां था, ये यहां था, है ना, ये यहां था, ये यहां था, अपना सब बढ़िया चल रहा था। उसके बाद हमारे को सिक्स पर्सन मिला, सिक्स पर्सन मिला। अब देखो हमने सॉर्ट कैसे कर रखा है, ये सॉर्ट कैसे कर रखा है, यहां से यहां तक कैसे सॉर्टेड था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड था ना। हो सकता था कि नीचे हो रहे हैं, या फिर हो सकता था बराबर भी थे, सेवन सेवन बराबर थे, पर डिक्रीजिंग था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं था या डिक्रीजिंग था, मतलब पर्सन नंबर सिक्स को पता है कि भाई मेरे से पहले या तो मेरे बराबर होंगे या मुझसे बड़े होंगे, है ना, या तो मेरे से बराबर होंगे या मुझसे बड़े होंगे। तो अगर मैं इंडेक्स नंबर वन पे जाऊंगा, इंडेक्स नंबर वन पे जाऊंगा, तो उससे पहले कितने कितने पर्सन होंगे, इंडेक्स नंबर वन से पहले सिर्फ एक ही पर्सन होगा, डेट इज जीरो, जीरो इंडेक्स पे। तो अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स पे जाऊंगा, अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स पे जाऊंगा तो मेरे को एग्जैक्टली या तो मेरे बराबर होगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि इससे पहले जो भी बंदे गए होंगे या तो वो मेरे बड़े होंगे मेरे से या फिर मेरे बराबर होंगे। तो इससे पहले एक ही है, तो या तो मुझसे बड़ा होगा या मेरे से बराबर होगा, तो मेरी ये वाली कंडीशन वो सेटिस्फाई कर देगा। तो मेरे को यहां आ जाना चाहिए, और जो यहां पे अगर पहले से पड़ा हुआ है उसको एक स्टेप इधर हो जाना चाहिए। तो इसके एक स्टेप इधर होने से क्या होगा, इसके एक स्टेप इधर होने से क्या होगा, इसके ऑर्डर में फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरे को पता है कि भाई मेरे से जो बाद में आया है, मेरे से बाद में आया वो मेरे से छोटा ही होगा।
तो यहाँ पे भी रहूंगा मैं, तो मेरे से बड़ा सिर्फ या मेरे से इक्वल मेरे को एक ही मिलेगा, तो इसके ऑर्डर में देखो यहाँ फर्क नहीं होगा, और यही चीज इसमें इंपॉर्टेंट थी। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, देखो है ना, और अच्छे समझ में आएगा। पर्सन नंबर फाइव मिला मेरे को, पर्सन नंबर फाइव मेरे से कहता है कि भाई मेरे से आगे, आई मीन पर्सन नंबर फाइव मेरे को कहता है कि भाई मैं मेरे से आगे, मेरे से बड़ा या मेरे से इक्वल 0% खड़ा हो सकता है। तो ठीक है, मेरे को इसको है ना जीरोथ इंडेक्स पे लेके जाना चाहिए, जीरो इंडेक्स पे लेके जाऊंगा, जीरोथ इंडेक्स पे लेके जाऊंगा, तो उससे क्या होगा, जीरोथ इंडेक्स पे लेके जाने से मुझे मेरा करेक्ट पोजीशन मिल जाएगी, और मैं इन सब को एक 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 स्टेप इधर कर दूंगा। देखो मेरी अभी भी पोजीशन जो है, मेरी सॉर्टिंग जो है, जैसे इंसर्शन में करते हैं, इंसर्शन सॉर्ट में एक एक उसको करेक्ट उसमें ले जाके ढूंढते हैं, और उसकी करेक्ट पोजीशन में जाके इंसर्ट करते हैं, और आगे एक एक शिफ्ट कर देते हैं ना, ऐसे ही कर रहे होते हैं ना कुछ कुछ, तो ऐसे ही इसमें करेंगे इंसर्शन सॉर्ट की तरह। तो इसकी पोजीशन जीरो होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, तो हम इसको जीरो पे ले जाएंगे और इनको आगे आगे के किसका देंगे। देखो अभी भी ऑर्डर मेरा मेंटेन है, सेवन के आगे सिर्फ एक ही है जो सेवन से बड़ा है या इक्वालिटीज, ये वाला है ना। सिक्स के आगे सिर्फ एक ही है जो सिक्स से बड़ा या इक्वालिटीज, ये वाला। फाइव के आगे कोई भी नहीं है जो ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव है। सिक्स सेवन के आगे कोई नहीं जो ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन है ना, तो यहाँ पे जीरो जीरो है ना। तो अब देखो, अब इसको मैं मतलब जो भी इस पे पोजीशन लिखी होगी ना उस इंडेक्स पे लेके जाओ और उसके राइट वालों को खिसका दो, एक एक स्टेप है ना, जैसे इंसर्शन सॉर्ट में करते थे। तो इसको मैं लेके जाऊंगा यहाँ पे, आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पहले सारे इससे क्या थे, बड़े या बड़े थे या उसके इक्वल थे, तो हम उसकी पोजिशन एक साइड राइट कर देंगे, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, राइट। चलो इसको मैं इंडेक्स नंबर टू पे लेके जाऊंगा और इनको एक एक खिसका दूंगा, है ना, एक एक खिसका के यहाँ पे डाल दूंगा। तो मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया, तो अब मैं क्या देख सकता हूं कि मेरे आगे देखो एग्जैक्ट मेरे से ग्रेटर देन इक्वल टू टू मिल रहे हैं मेरे को, दैट इज सेवन और फाइव मिल रहा है, एग्जैक्टली टू मिल रहे हैं, और इनकी पोजीशंस को यहां पे शिफ्ट करने से कोई दिक्कत नहीं आई है ना। सिमिलरली अब मैं इसको फोर्थ पोजीशन पे लेके जाऊंगा, दैट इज यहां पे इसको एक खिसका दूंगा, और देखो हमने ये इनकी सॉर्टिंग कर दी है, रिस्ट्रक्चरिंग कर दी है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एच एंड के, है ना, हाइट, आई मीन डिपेंडिंग ऑन देयर वैल्यू। अब तो ऑफकोर्स मेरे को के ही कहना चाहिए, के की वैल्यू के अकॉर्डिंग, कि मतलब एच भी है, ऑफ कोर्स एच भी है क्योंकि हाइट भी कंपेयर करेंगे, तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एच एंड के हमने इनको रिस्ट्रक्चर कर दिया है ना। ये इसकी एल्गोरिदम थी सॉल्व करने की, काफी ज्यादा मिलती जुलती थी हमारे इंसर्शन सॉर्ट से, है ना। हम करेक्ट पोजिशन ढूंढते हैं और एक एक खिसका देते हैं ना। चलो उसका कोड देख लेते हैं और अचानक से आपको समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, तो ये इसका कोड है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, सॉर्ट कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं कैसे, डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट। देखो हमारे पास दो चीजें थी ना इस 2D एरे में, है ना, एक थी हाइट, हाइट थी और क्या थी, वैल्यू ऑफ के क्या बता रही है हमको, कि मेरे से आगे, मेरे से बड़े या मेरे जितने कितने बंदे खड़े हो सकते हैं ना, 3K4। तो अगर अब मेरे को सॉर्ट करना है, अगर देखो ये 2D एरे, तो हमें 2D एरे सिंगल एक एलिमेंट तो है नहीं कि एक टू, सिर्फ टू और थ्री तुमको सॉर्ट करना है, एक सिंपल एक 1D एरे तो दे नहीं रखा हमने, कि भाई टू फाइव थ्री वन दे रखा है हमको, इसको सॉर्ट कर दो, तो तुम इन वैल्यूज के बेसिस पे सॉर्ट कर देते हो, है ना, इन वैल्यू के बेसिस पे सॉर्ट कर देते हो। अब तो तुम्हें एक 2D एरे देना, तो 2D एरे को कैसे सॉर्ट करोगे तुम, तुम्हें कैसे सॉर्ट करना है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एच, है ना। तो जिसकी एच वैल्यू, दैट इज ये पहली जीरोथ इंडेक्स पे वैल्यू जो है ज्यादा होगी, जिसकी जीरोथ इंडेक्स पे वैल्यू ज्यादा होगी उसको पहले लिखना है। बट अगर इनकी वैल्यू सेम है, लेट से H1 और H3 को जब हम कंपेयर कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि इसको पहले लिखें, अगर ये सेम है तो जिसकी के वैल्यू छोटी होगी, जिसकी के वैल्यू छोटी होगी उसको पहले लिखेंगे। तो बेसिकली गाइस इसमें कुछ नहीं करते, डिफरेंस ले लेते हैं, अगर नेगेटिव होता है तो किसको लेते हैं, जीरो होता है तो किसको लेते हैं, और वन होता है तो किसको लेते हैं, नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव लिखना चाहिए मेरे को, पॉजिटिव लिखना चाहिए। तो कंपैरेटर क्लास के ऊपर एक अलग ही वीडियो बन सकती है, तो वो मैं बनाने वाला हूँ, शायद आज बना दूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं आज बना दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको कंपेरेबल कंपेरेटर इंटरफेस आता है, तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि ये यहाँ पे नेगेटिव और ये नेगेटिव से क्या है, मतलब हमें बेसिकली क्या सॉर्ट करना है, डिपेंडिंग ऑन देयर वैल्यू ऑफ एच, और एच सेम है, दैट इज फर्स्ट कॉलम सेम है इनका, तो हमें के बेसिस पर सॉर्ट करना है, के जिसका छोटा होगा उसको पहले लिखना है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी अगर आपको कंपैरेटर इंटरफेस नहीं आता, डोंट वरी, मैं आज उसकी वीडियो बना दूंगा, चलो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना, आज बन जाएगी वीडियो। अच्छा ठीक है, तो उसके बाद हमने अपना रिजल्टेंट लिस्ट बना लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, सॉर्ट कर दिया ना, सॉर्ट करने के बाद जस्ट उसको डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द
के हम उसको इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे हमारे रिजल्टेंट लिस्ट में, ऐसे ही कर रहे थे ना हम, जैसे जिसकी वैल्यू हो रही थी जे, यहां से यहां मूव कर रहे थे, जिसकी जो वैल्यू हो रही थी उधर एक एक उठा के डाले जा रहे थे, और ऑटोमेटिकली इनको इधर शिफ्ट कर जा रहे थे लिस्ट में, ही ऑटोमेटिकली हो जाता है हमारा, तो यहाँ पे ये वाला काम हो जाएगा सिंपल सा। और फिर जस्ट हम इस 2D लिस्ट को 2D एरे में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे रिटर्न टाइप 2D एरे है, और उसको रिटर्न मार देंगे, ठीक है। तो ये था इसका सिंपल सा कोड है ना। एन लॉग एन हमने यहाँ पे एन लॉग एन सॉर्टिंग में लगा दिया, एन यहाँ पे लगा दिया, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, एन लॉग एन हो गई, ठीक है, बिग ऑफ एन लॉग एन, है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत मारना, सिंपल सा था। स्पेस अगर मैं कहूँ तो स्पेस इसका एन स्क्वायर हो गया, है ना, एन स्क्वायर हो गया, या फिर आई मीन एन इंटू टू हो गया ना, एन स्क्वायर क्या ही कहना है ना, जो भी है। चलो तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये प्रॉब्लम। हो सकता है कंपैरेटर इंटरफेस की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा भाई, बट आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इंसर्शन सॉर्ट से काफी ज्यादा सिमिलर था, और कैसे हमने देखो सॉर्ट करा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एच एंड के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये काफी जगह यूज आता है कंपैरेटर इंटरफेस, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।